गरीब वर्सेस अमीर का खेल मॉन्स्टर ट्रक। किमसर नाम के गांव में भूपेंद्र नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था इवान। उनके घर में सोमराज नाम का एक व्यक्ति काम करता था, जिसका बेटा था रुद्रा। इवान और रुद्रा दोनों हम उम्र थे। एक दिन इवान का जन्मदिन था। वो सोया हुआ था कि तभी उसके माँ बाप उसके पास गए। Happy birthday to you, happy birthday to you, कहकर गाना गाकर उसे नींद से जगाया। इवान नींद से जागा और Thank you daddy, thank you mummy, thank you so much. मम्मी, क्या आपने इस साल मेरा फेवरेट केक का ऑर्डर दिया है? Daddy, आप मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? इवान बेटे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कहकर इवान को ले गया और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ट्रक दिखाया। उसे देखकर इवान, अरे वाह, मजा आ गया, ये तो बहुत बढ़िया है डैडी, मुझे ये बहुत पसंद है डैडी, थैंक यू डैडी, माय लवली डैडी, कहकर वो उस मॉन्स्टर ट्रक पर चढ़ा और उसे इधर उधर घुमाने लगा। थोड़ी दूर पर रुद्रा खड़ा था। ये सब देखते हुए रुद्रा अपने मन में, अरे कितना बढ़िया ट्रक है, इसे बस एक बार चलाऊं तो अच्छा होगा, यूं अपने मन में सोचा। उस दिन रात को जब सब घर वाले सो रहे थे, तब रुद्रा चुपके से आया उस मॉन्स्टर ट्रक पर चढ़कर बिना उसे ऑन किए स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाने लगा। ये सब इवान दूर से देख रहा था। ए, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी गाड़ी पर चढ़कर बैठो, कहकर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर भूपेंद्र और सोमराज दोनों बाहर आए। रुद्रा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि साहब के चीजों को हाथ ना लगाया करो, छोटे मालिक की गाड़ी में क्यों बैठे, मांगो माफी, कहकर सोमराज रुद्रा को मारने ही वाला था कि भूपेंद्र ने उसे रोका। अरे रुको सोमराज, बच्चे भला क्या जानते, छोटे बच्चे पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भूपेंद्र ने रुद्रा को देखा। याओ बेटे, कहकर इवान के पुराने साइकिल उसने रुद्रा को दिया। ये सब देखकर इवान को गुस्सा आया। ये क्या डैडी, वो मेरा बर्थडे गिफ्ट में चढ़कर बैठा और आप उसे डांटने के बजाय उसे मेरा साइकिल दे रहे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, आप इन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दीजिए, मैं इस इडियट को दोबारा नहीं देखना चाहता। बेटे जरा सोच समझ कर बोला करो, तुम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हो ना, ये तुम्हारा दोस्त है, अंडरस्टैंड, कहकर उन्होंने जोर से बोला। नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये नहीं है मेरा दोस्त, कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। अगले दिन रुद्रा भूपेंद्र के दिए हुए साइकिल को चलाते हुए खुश हो गया। तभी इवान का दोस्त बंटी वहाँ पहुँचा। बंटी, देखा, ये है मेरा नया मॉन्स्टर ट्रक, मेरे डैड ने मुझे मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट दिया है, देखा? ये देखकर बंटी, वाव, ये तो बहुत बढ़िया है यार, क्या मैं इसमें एक बार बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर बैठ सकते हो, पर चलाऊंगा मैं ही, चलो पीछे बैठ जाओ। व्हाई नॉट, कहके दोनों बैठ गए और इवान थोड़ी दूर के लिए गाड़ी चलाने लगा। उन्हें रास्ते में रुद्रा साइकिल चलाते हुए नजर आया। रुद्रा को देखकर, अरे रुद्रा, रात को डैडी थे इसीलिए तू बच गया, मैं अब बताता हूँ तुम्हें, कहकर अपने ट्रक को तेजी से चलाते हुए रुद्रा के साइकिल से जा टकराया। यूं टक्कर लगते ही रुद्रा उछलकर कीचड़ में जा गिरा। ये देखकर बंटी, अरे गिर गया कीचड़ में, गिर गया, मजा आ गया, कहकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे बंटी, देखा, कीचड़ में पड़े हुए सुअर को, कहकर हंसने लगा। ए रुद्रा, दोबारा मेरे ट्रक को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ, कहकर उसे चेतावनी देकर अपने मॉन्स्टर ट्रक के साथ वहीं पर चक्कर काटने लगा। रुद्रा कीचड़ से उठा, अपने कपड़ों को झाड़कर साइकिल को चलाते हुए वहां से जाने लगा। इतने में इवान तेजी से चला रहा था कि तभी उसके मॉन्स्टर ट्रक के ब्रेक्स फेल हो गए। ये देखते ही बंटी ट्रक से छलांग लगाकर कूद गया। ये देखकर इवान, अरे बंटी बचाना यार, अरे मुझे बचा, ब्रेक फेल हो गया यार, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कहकर जोर से चिल्लाने लगा।
ये आवाज सुनकर रुद्रा तेजी से साइकिल चलाता हुआ वहाँ पहुँचा। तभी उसने देखा कि मॉन्स्टर ट्रक खाई की ओर जाने लगी। रुद्रा ने अपने साइकिल को ट्रक के पहियों के नीचे डाल दिया। इस तरह वो मॉन्स्टर ट्रक रुक गया। साइकिल एकदम तहस नहस हो गया। तभी बंटी दौड़ा दौड़ा आया। इवान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? रुद्रा मदद करके चुपचाप जा रहा था कि इवान, मेरे डैडी ने सही कहा था। रुद्रा, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। थैंक यू रुद्रा, कहकर रुद्रा को गले लगा लिया। गले लगाते हुए इवान रुद्रा से, रुद्रा, अब से ये मॉन्स्टर ट्रक हम दोनों का है।